नमस्कार, मैं दिव्यन्दु त्रिपाठी, प्रिंसिपल श्री विनायक एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल। 27 अक्टूबर से एक बार फिर से बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स विद्यालय ने सुनिश्चित किए हैं कि उनको फॉलो किया जाए। जैसे ही बच्चे विद्यालय में अंदर एंटर करेंगे, उनका टेम्परेचर गेट पर ही नोट कर लिया जाएगा और ऑटोमेटिक लगी हुई सैनिटाइजिंग मशीन से वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके विद्यालय में प्रवेश करेंगे। आगे बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाया गया है, जिसके माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा कि विद्यालय ने क्या क्या सुरक्षा मापदंड अपनाए हैं कोविड-19 के लिए। बच्चों को शिक्षा की ओर फिर से रूबरू करते हैं बच्चों को शिक्षा की ओर फिर से रूबरू करते हैं थोड़ा प्रयास आप कीजिए, थोड़ा हम शुरू करते हैं। मैं आशुतोष बादल, शिक्षक श्री विनायक एकेडमी स्कूल। मैं मीनल त्रिपाठी, शिक्षिका श्री विनायक एकेडमी। कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के बाद जहाँ संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया था, आज अनलॉक की प्रक्रिया में इस तरह समस्त गतिविधियों को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में समस्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज हमारा विद्यालय बच्चों के लिए तैयार है। विद्यालय पहुंचने पर स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने उनको अनुमति दी है आने की, उनको विद्यालय की तरफ से आई कार्ड दिए गए हैं, उनको चेक किया जाएगा और उसके पश्चात ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही स्टूडेंट विद्यालय में पहुंचता है, उसको विद्यालय की तरफ से आई कार्ड दिया गया है, वो यहाँ उसको चेक कराएगा और ये आई कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिए गए हैं जिनके अभिभावकों ने उनको विद्यालय आने की अनुमति दी है। विद्यालय में बच्चों के प्रवेश करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। जैसे ही विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करेंगे, उनके लिए यहाँ पर कुछ सर्कल्स बनाए गए हैं जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर खड़े होंगे। प्रवेश करने के दौरान विद्यार्थियों को सैनिटाइजेशन मशीन के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। अपना आई कार्ड चेक कराने के बाद विद्यार्थी सैनिटाइजेशन मशीन के थ्रू अपने आप को सैनिटाइज करेगा और इसके बाद ही वो अंदर प्रवेश कर सकता है। सैनिटाइजेशन की प्रोसेस के बाद बच्चों का थर्मल स्कैनर के द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उनका टेम्परेचर, हमारे यहाँ एक अध्यापक उपस्थित रहेंगे, वो उनका टेम्परेचर नोट करेंगे और कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाई गई है रजिस्टर में। जो विद्यार्थी के पेरेंट्स द्वारा सहमति दी गई है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और जिनके पेरेंट्स के द्वारा सहमति नहीं दी गई है उसकी दूसरी लिस्ट बनाई गई है। यदि कोई विद्यार्थी जिसको सहमति नहीं मिली है और विद्यालय आ जाता है तो उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग का कार्य कुछ इस तरीके से किया जाएगा। बच्चे का जो भी टेम्परेचर आता है, देखिए आप, तो जिस तरीके से हम लोग टेम्परेचर लेंगे और टीचर इस टेम्परेचर को प्रवेश करने से पहले नोट करें। यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो उस बच्चे को विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के पश्चात बच्चों का टेम्परेचर नोट हो जाने के पश्चात बच्चों को इस प्रकार से सर्कल में खड़ा होना होगा और जैसे ही पहला विद्यार्थी अगले वाले सर्कल में मूव करेगा उसके पश्चात ही दूसरा विद्यार्थी सर्कल को ऑक्यूपाई करेगा और इस प्रकार सर्कल से होते हुए सभी विद्यार्थी विद्यालय के विषय में प्रवेश लेंगे। हमको चबाते जाएं, सबको बताते जाएं अपनी हसरतें, यार मत भूले जगह है ये बड़ी खुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से। भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, 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 ना सीखेंगे हम। बच्चा इसी कॉरिडोर के माध्यम से आगे जाएगा और अपने क्लास में प्रवेश करेगा, जहां पर पहले से ही उनके लिए टीचर उपस्थित होगा
जो उनका क्लास टीचर होगा। और यहाँ रास्ते में बच्चों के लिए चारों तरफ क्लोज विंस जो है उनका इंतजाम किया है। पहुँचने से पहले ही हर क्लास के बाहर क्लोज विंस और डस्टबिन इस तरीके से लगाए गए हैं ताकि बच्चा जो मास्क यूज कर रहा है यदि वो सर्जिकल मास्क है और उसको फेंकना चाहता है तो फेंक सकता है, दूसरा मास्क यूज कर सकता है। इस प्रकार से सारी क्लासेस के बाहर डस्टबिन आप देख सकते हैं लगाए गए हैं और कक्षा कक्ष में क्लास में पहले से ही क्लास टीचर उपस्थित होगा जो ये सुनिश्चित करेगा विद्यार्थी की जगह कौन सी होगी। विद्यार्थी के क्लास में प्रवेश लेने से पहले भी क्लास में क्लास टीचर उपस्थित रहेगा जो कि विद्यार्थी को निर्देशित करेगा क्लास में प्रवेश किस तरह का। विद्यार्थी क्लास के बाहर आता है उसको अपने आप सैनिटाइज करने का निर्देश दिया जाएगा। जैसे ही सैनिटाइज विद्यार्थी कर लेता है तत्पश्चात क्लास में प्रवेश लेगा। उस करने के दौरान ही क्लास टीचर विद्यार्थी को बताएगा कि उसको कौन सी जगह सुनिश्चित की गई है जहाँ पर वो आकर अपनी जगह लेगा। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को ये निर्देशित किया गया है कि वो स्कूल पहुंचने से पहले अपनी वाटर बोतल स्वयं लेकर के आए और अगर किसी परिस्थिति में उन्हें अपनी वाटर बोतल को फिर से फिल करना है तो ऐसी स्थिति में टैब के पास हमारा कर्मचारी उपस्थित रहेगा जो अपने हाथों को सैनिटाइज करने के पश्चात ही टैब को छुएगा और उसको ओपन करेगा। बच्चा किसी भी परिस्थिति में टैब को नहीं छुएगा। वॉशरूम का इस्तेमाल करने की स्थिति में यदि कोई वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहता है तो आप देख सकते हैं इस गेट के माध्यम से वो अंदर जाएगा। ये वॉशरूम हमारे यहाँ इस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। जैसे कोई जाना चाहता है वो इस तरह से वॉशरूम का इस्तेमाल करेगा। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के पश्चात अपने हैंड को सैनिटाइज करने के लिए वो इस मशीन के द्वारा अपने आप को सैनिटाइज करेगा कुछ इस तरह से और सैनिटाइज की प्रक्रिया करने के बाद वो अपनी क्लास की ओर जा सकता है। विद्यार्थियों के कक्षा में प्रवेश लेने से पहले कक्षा को सैनिटाइज किया जाएगा कुछ इस प्रकार से और विद्यालय छोड़ने के पश्चात भी कक्षा को सेम इसी वे में सैनिटाइज किया जाएगा। मेरा अधिकार है।